नमस्कार दोस्तों, इंडियन फूड रेसिपी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा, आधी छोटी कटोरी दही, 2 चम्मच रवा, 1 छोटा चम्मच शक्कर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और स्वाद अनुसार नमक। तो अब हम भटूरे का मैदा लगा लेते हैं। हम इसमें डालेंगे रवा, बेकिंग पाउडर, शक्कर, बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक, दही। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। देखिए, हमने भटूरे का आटा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट गूंद लिया है। अब हम इसमें तेल का हाथ लगा कर रख देंगे। हमने इसमें तेल का मोयन नहीं दिया था, आप चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें दही, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है, तो इसमें तेल का मोयन ना भी दे तो भी चलेगा। हमने इसमें तेल का हाथ लगा दिया है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा मैदा सेट होगा, तब तक हम छोले की तैयारी कर लेते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए काबुली चने। काबुली चने को हमने पहले से ही रात भर भिगो लिया है। 2 प्याज जिन्हें हमने बारीक पीस लिया है, 2 टमाटर इसे भी हमने बारीक पीस लिया है, तेल हमने तेल 4 चम्मच लिया है, जीरा, 1 चुटकी हींग, हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच चना मसाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक लिया है। खड़े मसाले में हमने 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 काली मिर्च ली है। तो आइए शुरू करते हैं हम चना मसाला बनाना। हमने कुकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, हींग, प्याज का पेस्ट, मिक्स कर देंगे। अब हम इसे हल्का भूरा होने तक पकाएंगे। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, इसे मिक्स कर देते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चना मसाला, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसे तेल छोड़ने तक पका लेते हैं। टमाटर अच्छे से पक गए हैं, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चने। अब हम इसमें डालेंगे पानी।
हमने 2 कटोरी चने लिए थे, हमें 5 कटोरी पानी डालना है और इसे 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। कुकर में सीटी आ गई है, अब हम कुकर खोलकर चेक कर लेते हैं। हमारे छोले पक गए हैं, अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। हम छोले निकाल लेते हैं। हमारे भटूरे का आटा सेट हो चुका है, अब हम इससे भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें इसे सभी तरह से अच्छे से बेल लेना है। हम इसे थोड़ा सा और लंबा करेंगे। ये देखिए हमने इसे बेल लिया है। हम इसी तरीके से एक और बेल लेंगे। हम भटूरा फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल पतला पतला ही रहना है। हम इसे पलट देंगे। हम निकाल लेंगे और बाकी के भटूरे भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। छोले भटूरे बनकर तैयार हैं। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।